हेलो स्टूडेंट, क्या आपने सोचा है, क्या आपने नोटिस किया है कि आपके पास एक हृदय है, एक हार्ट है। बगैर हार्ट के आप कुछ नहीं। उसी प्रकार अगर आपने नोटिस किया होगा, पूरी कैलकुलस बगैर ट्रिगो के कुछ नहीं है, इसलिए हम ट्रिगो को हार्ट ऑफ द कैलकुलस कहते हैं। उसी तरीके से अगर देखा जाए कि ट्रिगो का हार्ट क्या है, वह है यूनिट सर्कल। यानी बगैर यूनिट सर्कल के कोई ट्रिगो नहीं। तो चलिए हम लोग यूनिट सर्कल पर आज बात करेंगे। आज हम लोग टॉपिक है एंगल्स इन ए यूनिट सेक्टर, यूनिट सर्कल इन ए डिग्री। मतलब डिग्री में, यूनिट सर्कल में क्या क्या एंगल्स होगा, उस चीज को हम बात करेंगे। देखिए, एक सर्कल बनाया, यूनिट सर्कल इसका नाम इसलिए दिए कि क्योंकि एक यूनिट रेडियस लेकर के ये सर्कल को ड्रॉ किया गया है, इसीलिए इसका नाम है यूनिट सर्कल। चलिए, इसके बारे में हम एग्जैक्टली आगे पढ़ेंगे, आगे चैप्टर्स में। यूनिट सर्कल का यूटिलाइज क्या है, यूनिट सर्कल का जो पहला स्टेप है वो इम्पोर्टेंट है। बच्चे को दिक्कत ये आती है कि एंगल्स कैसे लिखना है इसमें, ये यूनिट सर्कल में एंगल्स को कैसे हम अंकित करें, कैसे सूचित करें, कैसे इंडिकेट करें, वो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को परेशानी आती है। उस परेशानी को दूर करने के लिए हम लोग आज के क्लास आए हैं, और आज हम लोग एक एक टॉपिक्स पर क्लियर करेंगे कि कौन सा एंगल्स कैसे कहाँ बैठना चाहिए। और जो एंगल्स हैं आज हम लोग डिग्री में देखेंगे, और नेक्स्ट क्लास हम लोग रेडियन में देखेंगे। अब एक बात बताइए, अगर इस चीज़ को अभी भूल जाइए तो ये एक आपका एक्सिस नजर आएगा, जिसको हम लोग ये बोलते हैं एक्स एक्सिस, और इसको हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस। क्लियर है? एक्स एक्सिस पे अगर आप बात दिखा दिया है, तो अगर हम एंगल्स पे बात करें, तो ये अगर 0 डिग्री लेते हैं तो ये कितना आएगा, 90, और ये कितना आएगा, 180, क्योंकि यहां से लेकर के यहां से लेकर ये एंगल काउंट अगर हम करें 90 पर, तो यहां से यहां तक आने में 1 90 डिग्री काउंट होगा, यहां से यहां आने में 2 90 डिग्री काउंट होगा, जिसका मतलब 180 डिग्री यहां से यहां तक आने में क्या होगा, 3 90 डिग्री काउंट होगा, और ये हो जाएगा 270 डिग्री, और ये फिर हम अगर इसको बोलें तो ये क्या हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। हम देखें कि इस यूनिट सर्कल में, यूनिट सर्कल का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये हम लोग एक रेडियस को मान करके ये सर्कल बनाए, ठीक है, एक यूनिट रेडियस को मान करके ये सर्कल को ड्रॉ किए, इसलिए इसको यूनिट सर्कल नाम दिया गया। अब एक बात बताइए, अगर हम 90 के बाद के हिसाब से अगर हम देखें, तो यहाँ पे अगर इसको हम थोड़ा देर के लिए समझें नहीं है, तो एक 90 बन रहा होगा, दूसरा 90 बन रहा होगा, तीसरा 90 बन रहा होगा, चौथा, यानी यहाँ पे क्या होगा, 0 90। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 0 into 90, 0 into 90। फिर इसको हम लिख सकते हैं 1 into 90 डिग्री। फिर हम इसको लिख सकते हैं 2 into 90 डिग्री। फिर इसको लिख सकते हैं 3 into 90 डिग्री, ठीक है। और इसको हम और आगे बढ़ाएं तो हम 4 into 90 डिग्री, 5 into 90 डिग्री, और 6 into 90 डिग्री, 7 into 90 डिग्री, और 8 into 90 डिग्री। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। आगे बढ़ाएंगे, देखिए इसको एंगल एंगल हम तोड़ते हैं, तो यहाँ देखिए ये क्या निकल रहा है, 0 डिग्री निकल रहा है, ये कितना निकलेगा, 90 निकलेगा, 9 2 180 निकलेगा, और ये 9 3 270 निकलेगा, और ये हो जाएगा 360 डिग्री। उसी तरीके से अगर हम यहाँ देखें तो 450 डिग्री हो जाएगा, और 540 डिग्री हो जाएगा, और 630 डिग्री हो जाएगा, और ये हो जाएगा 720 डिग्री। अब यहाँ देखिए इसका एप्लीकेशन क्या है, एक चीज़ देखिए, हम लोग ये जान रहे थे एंगल क्या है, कि अगर हम एंटी क्लॉक वाइज में डायरेक्शन में एंगल को मेज़र करते हैं, रोटेशन करते हैं, तो वो एंगल पॉजिटिव में दिया जाता था, और अगर हम क्लॉक वाइज डायरेक्शन में मूवमेंट कराते हैं एंगल को, तो उसको हम लोग क्या है, निगेटिव एंगल में बोलता है। अब यहाँ पे रिलेशन देखिए, अगर हम 360 माइनस कर दें, यहाँ पे 360 माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा 0 15 में से 6 चला गया, 90 आ जाएगा। यहाँ पे 360 अगर माइनस कीजिएगा तो ये आएगा 180 डिग्री, यहाँ पे 360 डिग्री माइनस कीजिएगा तो ये हो जाएगा 270 डिग्री, यहाँ पे 360 डिग्री माइनस कीजिएगा ये हो जाएगा 360 डिग्री।
ठीक है। अब यहाँ इसका क्या कॉन्सेप्ट है, अब ये देखिए, अगर हमको 450 डिग्री में जाना है, 9 × 5 = 45, ठीक है, 450 डिग्री में जाना है, तो अब देखिए एक राउंड यहाँ से यहाँ आया 90 डिग्री, दूसरा राउंड यहाँ आएगा 180 डिग्री, तीसरा राउंड 270 डिग्री, चौथा राउंड में तो एक राउंड तो ये आ गया, ठीक है, तो पांचवा राउंड में हम कहाँ चले गए, यहाँ, तो ये एंगल हमारा पॉजिटिव बना था कितना का भाई, 450 डिग्री का, क्लियर है। अगर हम ये एक्सिस हैं, ठीक है, अगर हम क्लॉक वाइज में अगर हम डायरेक्शन में जाएं तो यही एंगल्स के जस्ट अपोजिट वाला में ये कितना हो जाएगा हमारा, 90 डिग्री हो जाएगा क्लॉक वाइज, यानी अगर 405 पॉजिटिव एंगल है तो नेगेटिव एंगल उसके इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ये नेगेटिव 90 होगा, नेगेटिव 90 डिग्री होगा, और ये पॉजिटिव, जहाँ 450 पॉजिटिव एंगल होगा वहाँ नेगेटिव कितना होगा, 90 डिग्री। उसी प्रकार अगर हम एक बात और जाएं, अगर हम 540 पे जाते हैं, 540 डिग्री पर, तो हमको यहाँ से फिर एक रोटेशन करना होगा, ऐसे 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 यहाँ आना होगा, तो ये हमको एंगल कितना निकल गया बाबू, ये हो गया 540 डिग्री, क्या है, पॉजिटिव में। लेकिन अगर नेगेटिव में जाएंगे तो यहाँ से यहाँ हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -180 डिग्री, मतलब पॉजिटिव में जहाँ 540 डिग्री होगा वहीं पे नेगेटिव एंगल्स क्या हो गया हमारा, -180 डिग्री हो गया, ये क्लियर हो गया होगा, 90 के काउंट पर, काउंट बाय 90 डिग्री पे क्लियर हो गया आपका। चलिए अब उतार लीजिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं। जो देखो अगर 45 डिग्री के सेक्शन में देखें तो 45 डिग्री 90 का क्या होता है, हाफ होता है, मतलब एक काउंट यहाँ से स्टार्ट होगा, तो एक काउंट यहाँ से आ गया 45, दूसरा काउंट यहाँ आएगा 90, फिर दूसरा काउंट कहाँ गया, यहाँ से ये, मतलब हम अगर एक सेक्टर को लें तो 45 का ये सेक्टर बना, दूसरा 45 का ये सेक्टर, तीसरा ये 45 सेक्टर, फिर ये 45 सेक्टर, फिर ये 45 सेक्टर, इसको आप भूल जाइए दो मिनट के लिए कि ये कुछ है, ठीक है, ये और इसको भूल जाइए, ये दोनों लाइन्स को, तो उसके बाद ये एक सेक्टर 45, ये 45, फिर एक 45, ये 45, फिर एक 45, ये 45, फिर एक 45, फिर एक 45, तो अगर हम काउंट बाय 45 करें तो हमको क्या मिलेगा, 0 × 45 डिग्री, फिर दूसरा हो जाएगा 1 × 45 डिग्री, फिर 2 × 45 डिग्री, 3 × 45 डिग्री, और फिर हो जाएगा 4 × 45 डिग्री, ठीक है, इस तरीके से और आगे चलें, 5 × 45 डिग्री, 6 × 45 डिग्री, 7 × 45 डिग्री, 8 × 45 डिग्री, इस तरीके से आपका आ गया। आगे अगर हम देखें तो ये 0 डिग्री अगर कन्वर्ट करें तो 45 को 1 से करेंगे तो 45 डिग्री हो जाएगा, और ये 90 डिग्री हो जाएगा, और ये हो जाएगा 90 हो गया, 5 × 15 = 5 हाथ में रहा, 1 × 4 = 12 वो ये 135 हो जाएगा, 5 × 20 = 0 हाथ में रहा, 2 × 4 = 16 × 17 = 18, ये 180 डिग्री हो जाएगा। उसी तरीके से अगर ये जाके देखें तो 5 × 25 = 5 हाथ में रहा, तो 5 × 20 = 22, 225 डिग्री हो जाएगा, और इसको अगर हम देखें तो 5 × 30 = 0 से ले 4 × 24 और 3 × 270 डिग्री हो जाएगा, और इसको यहाँ देखें तो 5 × 35 = 5 हाथ में रहा, 5 × 35 = 5 हाथ में रहा, 3 × 28 = 20 = 21, 215 डिग्री हो जाएगा, सॉरी 215 कैसे हो जाएगा, 7 × 35 = 5 हाँ से ला, 3 × 28 = 28, 2 × 30 = 31, 315 डिग्री हो गया। उसके बाद अगर हम और जलें तो 8 × 45 = 0 हाँ से ला, 4 × 8 = 32 और 4 × 36 360 डिग्री होगा, मतलब अगर 45 के हिसाब से अगर काउंट करें तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, 45 डिग्री, फिर दूसरा 45 90 पे आ गया, 45 × 1 = 45, 0 × 2 = 45, 1 × 45 = 45, 2 × 45 = 90, 3 × 45 =
तो 3 × 45 कितना हो जाएगा, 3 × 45 हो गया आपका 135 डिग्री। उसी तरह का फिर 45 को 4 times मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 180 डिग्री आ गया। फिर अगर 5 times मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यह हो जाएगा आपका 225 डिग्री हो जाएगा। 45 के हिसाब से भी एंगल हम सेटिंग कर सकते हैं 225 डिग्री। फिर 45 को अगर हम और आगे मल्टीप्लाई करें 7 times तो हमको कितना हो जाएगा, 6 times तो हो जाएगा 270। फिर 45 को 7 times मल्टीप्लाई करें तो ये 45 का एक सेक्शन है, ये 45 270, फिर 45 यहाँ हो जाएगा आपका 315 डिग्री। और फिर 45 को चंक में मल्टीप्लाई करें, यहाँ हम पहला क्या सीखे, ये 45 का सेक्शन, ये 45, फिर ये हो गया 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 45। इस तरीके से हम लोग 45 डिग्री को काउंट के हिसाब से एंगल बैठाने के लिए सीख गए यूनिट सर्कल में 45 के हिसाब से। 90 के हिसाब से हम लोग देखे 45। अब हम लोग आगे देखते हैं कि 60 के बेसिस पर करेंगे काउंट करेंगे तो कैसे एंगल बैठाएंगे। चलिए आगे 60 पे काउंट करें तो 60 को हम कैसे लिख सकते हैं, 0 × 60 डिग्री, फिर 1 × 60 डिग्री, 2 × 60 डिग्री, 3 × 60 डिग्री, 4 × 60 डिग्री, 5 × 60 डिग्री और 6 × 60 डिग्री। अगर हम काउंट करें काउंट के हिसाब से तो ये 0 डिग्री आ गया और ये हो गया 60 डिग्री, ये हो गया 120 डिग्री, ये हो गया 180 डिग्री और ये हो गया 240 डिग्री और ये हो गया 300 डिग्री और ये हो गया 360 डिग्री। अगर हम 60 के हिसाब से एंगल सेटिंग करना चाहें तो ये देखिए आपका एक्चुअली में एक सेक्शन इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये 30 और ये 30 और ये 30 90 बनता है, तो ये कितना हो गया, 60 हो गया। ठीक है, अब देखिए 30 30 60 30 90 और 30 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, फिर 120 और ये अगर हम यहाँ पे ये टोटल 30 है तो 120 और 30 कितना हो जाएगा, 150। तो अभी हम 150 से बात नहीं करेंगे, अभी 60 पर भी बात करते हैं। तो हमको 180 डिग्री कहाँ, यहाँ आ गया। ठीक है, उसके बाद हमको कितना है, 6 × 6 = 24, 240 डिग्री कहाँ होगा, ये चीज़ देखना है। तो 180 और 30 और 30, ये 60 हो गया, ये 30 हो गया। ठीक है, और ये 30 हो गया 60, तो 60 और 180 को अगर हम करें तो आपको कितना हो जाएगा, ये 240 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर 240 में 60 जोड़ेंगे 30 और 30 तो कितना हो जाएगा, 300 डिग्री हो जाएगा। फिर इसमें अगर हम 30 डिग्री हो गया, फिर हम इसमें क्या करेंगे, 300 हो गया ना, तो एक तो एक काउंट में यहाँ आ गया, दूसरा काउंट में यहाँ आ गया, तीसरा काउंट में यहाँ आ गया, चौथा काउंट में हमारा हो जाएगा, चौथा काउंट में यहाँ आ गया। ठीक है, ये वाला सिस्टम। ठीक है, पांचवा काउंट में कहाँ आ जाएगा, ये वाला सिस्टम में आ जाएगा। ठीक है, और छठा काउंट में फिर कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। क्लियर है, 180 डिग्री का उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं काउंट बाय 30 डिग्री। ठीक है, तो आपको क्या होगा, 0 × 30 और 1 × 30 डिग्री, 2 × 30 डिग्री, 3 × 30 डिग्री, 4 × 30 डिग्री, 5 × 30 डिग्री, 6 × 30 डिग्री, 7 × 30 डिग्री या 8 × 30 डिग्री, 9 × 30 डिग्री, 10 × 30 डिग्री, 11 × 30 डिग्री और 12 × 30 डिग्री। अगर हम इसको अगर कैलकुलेट के फॉर्म में देखें तो ये 0 डिग्री आ रहा है और ये क्या 30 डिग्री आ रहा है, ये 60 डिग्री आएगा, ये 90 डिग्री आ जाएगा और ये 120 डिग्री आ जाएगा और 150 डिग्री आ जाएगा और 180 डिग्री आ गया और 210 डिग्री आ गया और 8 × 24 240 डिग्री आ गया और 270 डिग्री आ गया और हो जाएगा 300 डिग्री हो गया और 11 × 3
33 330 डिग्री हो गया, 12 तिया 36 360 डिग्री। अब इसको अगर हम बैठाना चाहें तो 30 क्या होता है, एक सेक्टर ये वाला सेक्टर और ये वाला सेक्टर ये वाला, इस तरीके से अगर मतलब अगर ये पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट को अगर हम तीन पार्ट में बटाएं तो एक 30 एक 30 एक 30 इस तरीके मिलेगा। तो ये 30 हो गया, दूसरा क्या है 60 है तो 60 हो गया, तीसरा क्या है 90 हो गया, तो ये 90 हो गया 30 का, फिर चौथा ये सेक्शन ठीक है तो कितना हो जाएगा ये वाला, ये फिर ये सेक्शन 30 का हो जाएगा 120, फिर क्या हो जाएगा 150 डिग्री ये हो गया। उसके बाद आपको फिर अगर हम ये देखेंगे तो ये हो गया 180 डिग्री, उसके बाद हमारा ये कितना हो जाएगा 210 डिग्री, और फिर ये 240 डिग्री तो आ ही गया, और 270 आ ही गया, फिर 300 आ ही गया है, 315 330 डिग्री की बात करें तो सॉरी 315 तो नहीं आना था कहीं पे, ठीक है 315 ये कितना हो जाएगा 330 डिग्री, और ये कितना था 360 डिग्री, क्लियर है। इस तरीके से हम एंगल बनाने के लिए सीख गए। ओवरऑल हम इतना ही बता देंगे कि अगर आप चाहते हैं इसको ये एंगल को सेट करने के लिए कैसे हम एंगल लिखें, तो आपको सबसे पहली चीज़ तो है कि देखिए ये एक पहला क्वाड्रेंट है, पहले एक सर्कल बनाएं कोई एक यूनिट रेडियस लेकर के, ठीक है, और उसको कितने पार्ट में बांटे, देखिए यहाँ पे पहले चार क्वाड्रेंट के फॉर्म में बांट दिए, उसके बाद हमको क्या है इसको तीन इसको हाफ कीजिए, 45 लेकर के हाफ कर लिए, 45 लेकर 45 के हिसाब से एंगल कर लिए, 45 के मल्टीपल में एंगल लिख लीजिए। उसके बाद उसको क्या कीजिए कि हमको 60 लाना है, तो पहला सेक्टर में 30, फिर दूसरा क्या 60, तो 30 और मतलब ये वाला सेक्टर और ये वाला सेक्टर लेकर के आप 30 बना लीजिए। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इस क्वाड्रेंट में पहला क्वाड्रेंट में देखिएगा तो तीन सेक्टर बने, एक दूसरा और तीसरा, एक ये और ये दूसरा और ये तीसरा, तीन सेक्टर बन गया। उसी तरीके से यहाँ भी एक सेक्टर बना लीजिए, एक दो और तीन, उसी तरीके यहाँ भी एक सेक्टर बना लीजिएगा, एक दो और तीन, यहाँ भी एक सेक्टर बना लीजिएगा, एक दो और तीन, तो ये इस तरीके से बना लिए। अब एंगल हम सेट करना, पहले 45 के हिसाब से एंगल सेट कर लिया, उसके बाद 30 का मल्टीपल में डाल दिया, 30 60, फिर आपको क्या हो जा रहा है यहाँ पर ध्यान रखिए 30 है, 30 का अगर हमको इसी के सामने अगर लिखना है तो 30 के कितना रोटेशन आएगा, एक दो, और यहाँ पे आ जाएगा आपका देखिए कि थर्ड में आएगा, यानी 180 के बाद 30 जुटेगा, 180 से 30 जोड़ दीजिए तो 210 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, या रोटेशन के हिसाब देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक 30 आ गया, तो यहाँ दूसरा 30, यहाँ तीसरा 30, तीसरा 30, चौथा, पाँचवा, छठा, तो सतवा, 21 210 डिग्री हो जाएगा। तो ये इस हिसाब से हम इस तरह से कैलकुलेट करके हम एंगल को सेट कर सकते हैं। 30 पे हो गया, अब 60 पे करना है तो 60 पे भी कर सकते हैं, 60 एक ये है तो 16 टाइम्स 1 किए तो 60 हो गया, 60 टाइम 2 किए तो 120 डिग्री हो गया, 60 टाइम 3 किए क्या 180 डिग्री हो गया, 60 टाइम 4 कर देंगे 240 डिग्री हो जाएगा। उसी तरीके से आप 5 टाइम्स क्या हो गया 300 हो जाएगा, और 6 टाइम क्या होगा 360 होगा। इस तरीके से कोई भी काउंट करके आपको एंगल बढ़ाने के लिए आना चाहिए, ये याद रहना चाहिए यूनिट सर्कल में कि ये 30 45 60 90 120 कहाँ बताए, 150 या कौन कौन एंगल है, ओवरऑल टोटल एंगल क्या हुआ बताइए। तो एक एंगल 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 एंगल, यानी ओवरऑल अगर हम देखें एक क्वाड्रेंट में 3 3 चौका 12 और 12 और 4 आपका एक्सिस वाला एंगल तो कितना होगा 12 4 16, यानी टोटल 60 एंगल्स आपको याद रखना होगा, एकदम ध्यान में रहना चाहिए। पहला 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, 120, 135, 150, 180, 210, 225, 240, 270, 300, 315, 330, 360। हम आपको कई मेथड्स बताए काउंट करके, 90 को काउंट करके या 60 को काउंट करके या 30 को काउंट करके या 45 को काउंट करके, किसी तरीके से भी एंगल बैठाने के लिए आपको आना चाहिए यूनिट सर्कल में, क्योंकि यूनिट सर्कल का बहुत ज़्यादा यूज है। जैसा कि हम आपको बताया कि ये ट्रिग्नोमेट्री का हार्ट है, बगैर इसके ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन करना पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे जगह हम घुसाएंगे यूनिट सर्कल को जो इसका यूटिलाइज होगा, इसी यूनिट सर्कल से हम एक एक का एंगल भी पता करेंगे आगे चैप्टर में। अभी सिर्फ एंगल सेट करने के लिए सीखे कि एंगल को कैसे बैठाया जाए यूनिट सर्कल में, वो उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसको बार बार रिपीट करके ये एंगल्स इन डिग्री
इन यूनिट सर्कल बैठाने के लिए आप अच्छी तरीके से सीख जाइए। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि यूनिट सर्कल में रेडियन में एंगल्स को कैसे बैठाएंगे। चलिए फिर, ओके बाय।